नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू फोर कैन बी रिटर्न एज टू रेज टू पावर टू तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस जो भी इसकी पावर है मीन्स की टू एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो गए नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस क्वल टू वन ठीक इन द सेम वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट इन टू इज टू वन ऑफ इनपुटेवल टू टू सिलेक्शन लाइन सिलेक्शन लाइन कितनी टू कैन बी रिटर्न इज टू रेज टू पावर वन मीन्स की वन आउटपुट सेम ही होंगे वन ठीक ये हमें पता चल गया दोनों का अब हमें जो इंप्लीमेंट करना है फोर इज टू वन यूजिंग टू इज टू वन तो हाउ मेनी टू इज टू वन इज रिक्वायर्ड तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टू इज टू वन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इनपुट लाइन्स डिवाइडेड बाई एवेलेबल इनपुट लाइन्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड के केस में कितनी है फोर एवेलेबल के केस में कितनी है टू डिवाइडेड बाई टू ठीक दिस इज नॉट वन तो अगेन वी डिवाइड दिस टू वी गेट वन ठीक है मीन्स की लेवल वन पर जो फर्स्ट लेवल होगा उस पर दिस इज द नंबर ऑफ टू इज टू वन एट लेवल वन एंड ये आपका कहां पर होगा लेबल टू पे मीन्स की जो हमें टोटल चाहिए वो कितने चाहिए टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री ठीक है हमें तीन चाहिए इन दिस केस टू सिलेक्शन लाइन्स मीन्स की एस वन एस नॉट इन दिस केस ओनली वन सिलेक्शन लाइन मीन्स एस नॉट ठीक फर्स्ट लेवल पे नंबर ऑफ मार्क्स टू नंबर ऑफ मर्स फर्स्ट लेवल पे टू मीन्स की फर्स्ट सेकेंड टू इज टू वन हमने टू मक्स लगाए टू इज टू वन टू इज टू वन ठीक मीन्स की इसकी इनपुट टू इनपुट होंगी ठीक है ये जो इनपुट होंगी दिस इज आई नॉट आई वन आई नॉट i1 in case of टू वन दिस इज आई नॉट I वन बट अगर हम फोर इज टू वन की बात करें उस केस में यह क्या हो जाएगी दिस इज फोर इज टू वन दिस इज आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री वन टू थ्री फोर दिस इज ऑस द रिक्वायर्ड इनपुट ये हमारी रिक्वायर्ड हमें मिल गई वन आउटपुट इसकी वन आउटपुट इसकी ठीक है सिलेक्शन लाइन Is to है की सिलेक्शन लाइन कितनी होगी 1, हमने 1 रखा है। आपने याद रखना है कि आपके जो सिलेक्शन लाइन की नंबर एल एस बी एंड एमएसबी की तरफ इस साइड को जाएगी ठीक मीन्स की इन दिस केस दिस इज एल एस बी एंड दिस वन इज एम एस बी ठीक है तो आपका लेवल वन पे जो सिलेक्शन लाइन कॉमन होगी वो क्या होगी एस नॉट तो ये हमारी जो सिलेक्शन लाइन है दिस इज एस नॉट जो यहां पर भी कनेक्टेड है और यहां पर भी कनेक्टेड है बोथ के लिए ठीक अब आउटपुट ऑफ दीज टू कहां पर कनेक्ट होगी हमने फाइंड किया था लेबल टू पर वन मक्स लगेगा लेबल टू पर हमने वन मक्स यूज किया ये क्या होगा टू इज टू वन ये आई नॉट ये आई वन ठीक यहां पर हमें क्या मिलेगी वाई आउटपुट और ये जो सिलेक्शन लाइन होगी वो एमएसबी वाली बिट होगी मीन्स की एस वन ठीक नाउ अगर हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा ट्रुथ टेबल एस वन एस नॉट वाई जीरो 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 अगर हमने यहां पर भी वैल्यू जीरो पुट की यहां पर भी वैल्यू जीरो पुट की ठीक है इन बोथ केसेस आई नोट आई नोट आई नोट विल बी सिलेक्टेड थीके? दोनों में आई नॉट सेलेक्टेड होंगे ठीक है, आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा यहाँ से भी हमें I मिला, ये 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 है, है? है, है? क्या ठीक दोनों इनपुट अप्लाई हुए यहां पर, यहां पर I हमें output पे मिल रहा है, मीन्स की एक्चुअल का हमें आई नॉट मिलेगा ठीक तो यहां पर क्या होगा आई नॉट यहां होगा आई वन वन मोर केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला एस वन की वैल्यू क्या है वन लेट दिस इज वन एस नॉट की वैल्यू क्या है जीरो डन ठीक इफ दिस इज जीरो I not इज selected. I not इज selected. इसका I not किससे कनेक्टेड है एक्चुअल की I not से तो ये I not हो गया दिस I नॉट इज कनेक्टेड विद I2. तो यहाँ क्या मिलेगा I2. ये बहुत इनपुट सप्लाई होंगे हमारे यहां पर ठीक है now, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू वन फुट की तो हमारा विच इनपुट इज सेलेक्टेड दिस इनपुट तो इस पर हमारा क्या मिल रहा है आई टू की आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा आई दिस इज आई I three. So this is the four is to one marks using two is to one marks. If any doubt, please write in comment box. Thank you so much.